हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। यहां पर डेट आप लोग देख सकते हैं 5/1/2023, और ये जो लेटर है वो जारी किया गया छत्तीसगढ़ शासन गृह पुलिस विभाग से, इसको जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं प्रति पुलिस महानिदेशक को ये जारी किया गया है। विषय है यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के मुख्य बजट में प्रावधानिक नवगठित 4 जिला जो कि मोहला, मानपुर, चौकी, शक्ति, सारंगढ़, बिलईगढ़ एवं मनेन्द्रगढ़ में स्थापना हेतु 1100 नवीन पदों की प्रशासकीय स्वीकृति के बाबत इसको जारी किया गया है। तो 1100 नवीन पदों का यहाँ पर सृजन किया गया है, 1100 नए पद यहाँ पर आ चुके हैं और इन पदों को जो है भरने के लिए यहाँ पर स्वीकृति प्रदान किया गया है। निकट भविष्य में आपको जो है इन 1100 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत बड़ी जो है, बहुत ही बड़े पदों पर ये जो है स्वीकृति प्रदान की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 नवीन जिला यहाँ पर, जो जिन जिलों का नाम मैंने बताया, वहाँ पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय हेतु कुल 88 पद, प्रति कार्यालय 22 पद एवं रक्षित केंद्र के लिए 650 पद। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मोहला, मानपुर, चौकी के लिए जिसमें 176 पद हैं और अन्य तीन कार्यालय हेतु 158 पद प्रति कार्यालय है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 738 पदों का सृजन की सहमति यहाँ पर प्रदान की गई है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो 1100 पदों की स्वीकृति यहाँ पर दी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कौन कौन से पद हैं: पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, सहायक विधि अधिकारी, निरीक्षक, सूबेदार इत्यादि, और भी जो अलग अलग पद उसमें होते हैं एक कार्यालय में, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक, आरक्षक, स्वीपर इत्यादि पदों को यहाँ पर कुल मिलाकर के यहाँ 88 पोस्ट हो गई। ये 4 चौकियों के लिए 88 पोस्ट हो गए, 4 अलग अलग जो नए सृजित जिले हैं उनके लिए। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे रक्षित केंद्र पुलिस लाइन के लिए कुल मिलाकर के जो बाकी पद जो बच जाते हैं, जो 800 से भी ज़्यादा कुल मिलाकर के जो 650 पोस्ट होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 650 पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो 1100 पदों का सृजन यहाँ पर किया गया है पुलिस विभाग में, और आपको निकट भविष्य में इन सभी 1100 पदों के लिए भर्तियाँ देखने को मिलेगी। और चूंकि नवगठित जिले हैं और वहाँ पर स्टाफ्स की भर्ती की जानी है, तो यहाँ पर बहुत ही जल्द आप लोगों को ये 1100 पदों की भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इससे संबंधित और भी आगे आने वाले अपडेट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर अपने सभी दोस्तों तक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।